आशुतोष आपने तो एक अरसे से इस इस तरह से बदलती परिस्थितियों को देखा है आपका क्या आकलन है मेरा ये सोचना है कि हम बोलना तो दो साल की उम्र में सीख जाते हैं लेकिन क्या बोलना है कैसे बोलना है और कब बोलना है इसको सीखने में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और झंझट सिर्फ यहीं पर है बोलने की झंझट नहीं है वो क्या बोलने की झंझट है कब बोलने की झंझट है और कैसे बोलने की झंझट है बस सिर्फ इस चीज के ऊपर हमको काम करना चाहिए और इसका संबंध हमारे स्वयं के व्यक्तित्व से होता है हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि खेलो कूदो थको मत खाओ पियो छको मत देखो भालो तको मत और बोलो चालो बको मत तो ये वाली जो बात होती है मुझे लगता है ये सामान्य सी बात है और सामान्य सी बात में आ, ये बिल्कुल व्यक्ति निष्ठ बात है और व्यक्ति जो होता है वो समाज की इकाई होता है और किसी भी किस्म के विवाद को समाप्त करने के लिए संवाद ही प्रथम तह एक पायदान हो सकता है कि हम और आप संवाद के माध्यम से ही विवाद को समाप्त कर सकते हैं लेकिन अब संवाद के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती कि बातचीत में सबसे पहले तो सत्य हो दूसरी चीज हास्य हो तीसरी चीज उपहास ना हो और चौथी चीज सिर्फ समझाने की इच्छा ना हो समझने की भी इच्छा हो क्या तो जब ये बातचीत के तमाम सूत्र मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर क्योंकि अभिव्यक्ति जो शब्द है अभी क्या क्या टॉपिक है अपना कि अभिव्यक्ति की आजादी तो अब इसको तोड़ दीजिए कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात चल रही है ठीक है तो बात जब अभी उपसर्ग लग जाता है व्यक्ति किसी भी शब्द के साथ और अभिव्यक्ति बन जाता है तो फिर उसमें गहनता अपने आप में शामिल हो जाती है उसके अंदर हमारा परिष्कार अपने आप में शामिल हो जाता है तो वो अभिव्यक्ति है यानी व्यक्ति की गहनता व्यक्ति का परिष्कार तो जब अगर हम परिष्कार की दिशा की हम बात कर रहे हैं तो परिष्कार के लिए तो हमेशा सदैव आज़ादी रही और वो तो हमारा अधिकार है कितनी, कितनी गंभीर बात कर गए और कितने सहज तरीके से आप दो बड़ी बातें और इन पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि आपने कहा बोलो बको मत दूसरा हास हो परे ना हो उस पर भी हम आएंगे लेकिन उससे पहले क्या कलाकार अब रवीना अपने मन की बात नहीं कर पा रहे हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं एटलीस्ट ऐसी कोई समस्या मेरे सामने तो नहीं आई uh, हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो uh, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया बहुत फैल गया है आप फॉर uh, एग्जांपल अगर एक मैं स्टेटमेंट दे दूँ ट्विटर uh, पर जो आजकल है ट्विटर है एंड इंस्टाग्राम है एंड यू गॉट ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर यू आजकल हमारा हिंदुस्तानी वर्जन कू भी निकला है तो अगर मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया आई लव माई डॉग हिज नेम इज़ ब्लैकी प्लेन एंड सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन उसके दस इंटरप्रिटेशंस निकलेंगे वाई डू यू लव योर डॉग यू डोंट लव योर कैट क्यों कैट्स का क्या है दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कैट्स आपने क्यों नहीं बोला आई लव ऑल स्पीसीज आपने ये क्यों बोला कि यू ओनली लव योर डॉग एंड वाई ब्लैकी आई यू बींग रेसिस्ट ये जो हमको बैकलैश मिलती है एक भी स्टेटमेंट से दैट इज समथिंग आई गेस यू जस्ट हैव टू इग्नोर एंड मूव ऑन आई थिंक हम लोग सब अब उस मुकाम पर आ गए कि दैट वन स्टेटमेंट अगर आपने बोला एंड अगर आपने स्माइली एमोजीज नहीं डाले या आपने स्माइली एमोजीज भी डाले तो सच अ सीरियस मैसेज हाउ यू यू गिविंग विथ स्माइली एमोजीज ज़रूर इसका कुछ इसमें एंगल है उसमें दस एंगल निकलते हैं सो दैट इज़ वेयर आई फील दैट दी इंटायर परसेप्शन एंड 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 अलॉड ऑफ पीपल हु आर सिटिंग टू डाइसेट एंड एक एक पूरी uh, एक एक जो पूरी एनोलॉजी बन जाती है दे एनालाइज कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों बोला आपकी मेंटल स्टेट क्या थी उस समय आपने क्या सोच के बोला और आप कहना क्या चाहती हैं उसके दस वर्जन निकल आते हैं सो दैट इज़ वेयर आई थिंक टू मच ऑफ अ थिंग ऑल्सो इज नॉट अ गुड थिंग